आने वाले त्योहारों को देखते हुए अभी से खाद्य तेल के स्टोर सक्रिय हो गए हैं। भारी मात्रा में खाद्य तेल को स्टॉक कर बाजार में माल की शॉर्टेज कर दिए जाने के कारण खाद्य तेल के दामों में 2 दिनों के अंदर लगभग 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके कारण आने वाले त्योहार में उपभोक्ताओं को जेब ढीली करनी पड़ सकती है। उपभोक्ता तेल की बढ़ती कीमतों की जानकारी मिलने से ही काफी परेशान है। दीपावली और छठ के पर्व में लोगों को भारी मात्रा में खाद्य तेल की मांग होती है। लोगों को पूजा के लिए, पकवान बनाने के लिए खाद्य तेल का काफी उपयोग करना होता है। जहां कुछ दिनों तक लोग तेल के दाम कम होने पर राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अब त्योहार आते ही उनकी राहत परेशानी में बदलती नजर आ रही है। इस समय तेल का दाम बढ़ना लोगों की समझ से परे है। सरकार के द्वारा बाहर देशों से भी भारी मात्रा में तेल का आयात किया जा रहा है एवं ना किसी प्रकार की तेल की कोई कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ना ही तेल के दाम बढ़ने का कोई कारण। और वहीं 2 दिनों में इतना भारी तेलों का दाम बढ़ना कहीं ना कहीं स्टोरियों का सक्रिय होने का कारण है। आने वाले पर्व में खाद्य तेल के भारी डिमांड को देखते हुए तेल व्यापारियों ने के द्वारा गोदामों को भर दिया गया है एवं बाजार में इसकी कमी को महसूस कराकर दाम में बढ़ोतरी की गई है। सोयाबीन महाकोष तेल जो लगभग 1370 रुपए प्रति पेटी 12 लीटर का हो गया था, अब बढ़कर 1570 रुपए प्रति पेटी पर पहुंच गया है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। सरसों तेल के दाम में भी लगभग 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हाथी सरसों तेल की कीमत जहां 141 रुपए प्रति लीटर तक बिक रही थी, वो बढ़कर अब 152 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। जिला प्रशासन के द्वारा माफियों पर नकेल नहीं कसे जाने के कारण तेल में स्टॉक करने वाले मनमर्जी दाम से तेल को बढ़ाकर दामों में बेच रहे हैं। थोक विक्रेताओं के गोदामों से भर्ती पड़ी है। नकली तेल का बाजार भी काफी जोर शोर से चल रहा है। विक्रेताओं के द्वारा नामी गिरामी ब्रांड के नाम पर नकली तेल बाजार में बेचकर भारी मात्रा में मुनाफाखोरी की जा रही है। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि अगर माल की शॉर्टेज बाजारों में देखने को मिलती है तो त्योहारी सीजन के अंदर खाद्य तेलों की कीमतों में अभी और भी बढ़ोतरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।